हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक साथ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टीसीएस ऑन जीएसटी और जीएसटी ऑन टीसीएस एंड वैल्यूएशन इशू जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद आएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं एंड जीएसटी के भी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, यानी ऐसी ट्रांजेक्शन्स पर टीसीएस एंड जीएसटी दोनों ही लगता है। तो एक डायलिमा सा क्रिएट हो जाता है कि हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पर पहले जीएसटी लगाना है या फिर टीसीएस। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको कैसे निकालनी है और उसके ऊपर टीसीएस पहले चार्ज होने वाला है या फिर जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ और ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड कर दिया है टीसीएस प्रोविजंस में जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद अप्लाई होने वाले हैं। सेक्शन 206(c)(1)(g) एंड 206(c)(1)(h) हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि टीसीएस पहले लगने वाला है या जीएसटी। सबसे पहला इशू हमारे पास यही आता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपकी बेसिक वैल्यू है 1000। अब क्वेश्चन ये है कि आप पहले टीसीएस लगाते हैं जीएसटी। अगर आप टीसीएस लगाते हैं तो 1000 के ऊपर मान लीजिए टीसीएस 1% है तो 10 रुपीज बन जाता है, और जीएसटी की टोटल अमाउंट 18% रेट अगर हम अप्लाई करते हैं तो 1010 के ऊपर 18% 181 रुपये 80 पैसे हो जाते हैं। और अगर हम जीएसटी पहले चार्ज करते हैं तो टीसीएस में कैसे होगा? बेसिक वैल्यू 1000 है, उसके ऊपर आपने 18% का जीएसटी लगाया और जो टोटल वैल्यू आई 1000 प्लस 180, उसको ऐड करने के बाद 1% उसके ऊपर टीसीएस लगाया। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें से करेक्ट प्रोसीजर कौन सा है, और हम आज आपको वही बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले हम बात करेंगे वैल्यूएशन अंडर जीएसटी का। सेक्शन 15/2 ऑफ जीएसटी कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हर तरह के टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस जो किसी भी लॉ में लगते हैं अदर देन जीएसटी एक्ट, तो वो इंक्लूड होने चाहिए, उसके बाद जीएसटी लगना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीसीएस है वो भी पार्ट ऑफ टैक्स है, तो उसको भी उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने के बाद आपको जीएसटी लगाना है। यानी इसके अंदर आपको पहले टीसीएस लगाना है, फिर जीएसटी अप्लाई होगा। चलिए अब बात करते हैं टीसीएस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स की। सेक्शन 206(c) कहता है कि हर पर्सन जो सेलर है अमाउंट रिसीव करता है बायर से, तो उस केस में जो अमाउंट वो बायर से रिसीव कर रहा है वो आफ्टर टैक्स और जीएसटी होता है, और उसके ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाता है। तो इससे ये श्योर हो जाता है कि आफ्टर जीएसटी हम लोग टीसीएस लगाते हैं अंडर इनकम टैक्स 206(c)(1) के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें जीएसटी पहले चार्ज करना है या फिर टीसीएस, यानी हमें सेक्शन 15/2 जो सीजीएसटी एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है या फिर 206(c)(1) के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके ऊपर टीसीएस एंड जीएसटी दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। तो उस सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जिसके ऊपर जीएसटी एंड टीसीएस दोनों ही अप्लाई होता है। वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स है? अगर हम कोई स्क्रैप सेल कर रहे हो तो टीसीएस एंड जीएसटी दोनों ही अप्लाई होता है। मिनरल्स के सेल के केस में भी टीसीएस एंड जीएसटी दोनों अप्लाई होता है, या फिर कोई हम ग्रांट कर रहे हैं लाइसेंस फॉर पार्किंग लॉट और माइनिंग, इनके अंदर भी टीसीएस एंड जीएसटी दोनों ही अप्लाई होता है। इसके अलावा 206(c)(1)(f) क्या कहता है कि अगर कोई मोटर कंपनी मोटर व्हीकल सेल करती है और उसकी अमाउंट 10 लाख से ऊपर होती है तो उस केस में उसको 1% टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, और इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। इनके अलावा 1/10/2020 से गवर्नमेंट ने कुछ और ट्रांजेक्शन्स को डाल दिया है जिसके ऊपर टीसीएस भी लगेगा, जीएसटी उसके ऊपर लगता ही था। वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स है? 206(c)(1)(g)(a) कहता है कि अगर कोई ऑथराइज डीलर
कोई अमाउंट रिसीव करता है किसी पर्सन से फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करने के लिए और उसकी अमाउंट 7 लाख से अबव है, तो उस केस में वो 5% TCS कलेक्ट करेगा अबव 7 लाख वैल्यू पर और उसके ऊपर GST भी लगेगा, तो TCS एंड GST बोथ आर एप्लीकेबल इन दिस केस। इसके अलावा सेक्शन 206(c)(1)(g)(b) क्या कहता है कि अगर कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का सेलर है, वो आपसे कोई अमाउंट रिसीव करता है, उस केस में भी वो आपसे TCS जो है वो कलेक्ट करेगा 5% का और ये भी अप्लाई होगा 1 अक्टूबर 2020 के बाद से। इसके अलावा 206(c)(1)(h) क्या कहता है कि अगर हम कोई सेल करते हैं गुड्स की एक्सेस ऑफ 50 लाख, यानी जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में और पिछले साल उस सेलर की 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर थी, तो ऐसे केस में भी वो 0.1% TCS एप्लीकेबल हो जाएगा और वो TCS जो है जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, ये भी एप्लीकेबल होगा 1/10/2020 से। तो इन तीनों ट्रांजेक्शन्स में भी GST भी अप्लाई होता है एंड TCS। तो अभी हमने जो बात की, ये जितनी ट्रांजेक्शन हमने आपको बताई इनके अंदर दोनों ही अप्लाई हो गया, तो अब वो क्वेश्चन आ जाता है कि GST हमें पहले लगाना है या TCS। दोस्तों GST के अंदर डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया, वो इसलिए किया ताकि गवर्नमेंट ये क्लैरिफाई कर दे कि हमें TCS पहले चार्ज करना है या फिर GST। सर्कुलर नंबर 76/50/2018 31/12/2018 में आया। उसने क्या कहा कि अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस केस में TCS अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि TCS एक इंटरिम लेवी है, वो करेक्ट टैक्स के करेक्टर में नहीं आती, उसको हम टैक्स ना मानकर जो है इंटरिम लेवी मानेंगे। उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम लोग TCS इंक्लूड नहीं करेंगे, पहले GST लगेगा उसके बाद TCS। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि TCS प्रोविजंस जो इनकम टैक्स में है उसके अंदर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, इसलिए हम जो है इसी सर्कुलर को आधार मानते हुए पहले GST चार्ज करेंगे और उसके बाद TCS। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो हमने पहले आपको एक ट्रांजेक्शन दी थी कि अगर हमारी 1000 रुपये की बेसिक वैल्यू है तो उसके ऊपर हमें TCS पहले चार्ज करना है GST, तो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया जिस सर्कुलर के हिसाब से, उस सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि हमें TCS जो है वो बाद में चार्ज करना है पहले GST, यानी जो 1000 रुपये होंगे उसके ऊपर आप पहले GST रेट जो भी होगा वो आपको लगाना होगा और उनको ज्वाइन करने के बाद, उनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी उसके ऊपर TCS कलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों आशा करती हूं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।